मुंबई की बारिश, मुंबई की पोल खोलती जा रही है। बारिश की वजह से पूरी मुंबई डूबी नजर आ रही है। देर रात से जारी बारिश की वजह से सायन इलाके का ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे तक पानी में डूब चुका है, जिसकी वजह से देर रात भी वहां लंबा जैम लगा रहा और लोगों को भारी बारिश में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहीं घुटनों तक पानी भरने की वजह से बेस्ट की एक बस भी खराब हो गई, जिसके बाद कई लोग पानी में ही खड़ी बस को धक्का मारते नजर आए। मुंबई में हर साल की तरह इस साल भी बीएमसी के दावे फेल होते दिख रहे हैं। कुछ ही देर के मूसलाधार बारिश के चलते पूरी मुंबई में जल भरा हो चुका है। इस समय मुंबई के साइन इलाके खड़े हैं। ये साइन इलाका का गांधी मार्केट है, जो पूरा पूरा जलमग्न हो चुका है। ये बहुत अहम मार्ग है, जिसे ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि पूरा जो सड़क है वो पूरा पानी ही पानी हो चुका है। और ये मुंबई का एक एसटी बस है, जो जलमग्न होने के से बंद पड़ चुका है। एसटी के लोग इसे किसी भी प्रकार से निकालने की कोशिश कर चुके हैं, कर रहे हैं। इस समय बीएमसी के भी लोग घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस पानी को कैसे भी निकाला जा सके। आप देख सकते हैं कि एसटी बीएमसी के लोग कैसे मशक्कत कर रहे हैं। जो गाड़ियां इस जलमग्न में बंद हो चुकी हैं, पानी के जल भराव के चलते, उसे निकालने के लिए कोशिश कर रही है और उसके लिए काफ़ी मशक्कत करना पड़ रहा है। आप हमारे पीछे भी देख सकता हूँ कि ये जो सड़क है, इस पर जल भराव होने के चलते एक लंबा जाम लग चुका है। और बीएमसी के भी लोग यहाँ खड़े हैं, लोगों को आने जाने से मना कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सड़क है इसमें बहुत बड़ी तादाद में पानी भर चुका है और काफ़ी जगह मैन होल हैं, जो लोगों के लिए खतरा साबित हो सकता है। इसकी वजह से बीएमसी के लोग इस जगह पे खड़े हो चुके हैं और लोगों से को आगे जाने से मना कर रहे हैं। आप देख रहे रहेंगे कि देखिए, ये एसटी के लोग हैं जो इस समय इस बस को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हाल कुछ ही देर के बारिश के चलते है। वही मुंबई का सायन इलाका